अगर कोई पत्नी पति पर दहेज का झूठा केस लगाती है तो खुद मुश्किल में फंस सकती है। मुंबई हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में फैसला सुनाते हुए पत्नी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और पति की तलाक की अर्जी मंजूर की है। आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर किसी पुरुष पर उसकी पत्नी दहेज का झूठा इल्ज़ाम लगाती है तो ऐसी स्थिति में पति किस तरह कानून का सहारा ले सकता है। झूठा केस लगा है तो घबराए नहीं, बल्कि खुलकर उसका विरोध करें। आप झूठी शिकायत पर आईपीसी के अंतर्गत शिकायतकर्ता, गवाह और पुलिस पर भी केस कर सकते हैं। पत्नी ने झूठी शिकायत की है तो आप भी इसकी शिकायत पुलिस में करें, उच्च अधिकारियों के सामने पूरा मामला लाएं। कई बार ऐसे केस में पुलिस एफआईआर के नाम पर डराती है, ऐसे में डरे नहीं बल्कि अपने वकील के जरिए पुलिस से बात करें। पुलिस पुख्ता सबूत मिलने पर ही आपके खिलाफ केस कर सकती है। पत्नी दहेज प्रताड़ना का केस पति पर लगाती है तो पति को पुलिस सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती, पुलिस को जांच करनी होगी। जांच में आरोप सही साबित होते हैं तभी पति को हिरासत में लिया जा सकता है। प्रताड़ित होने पर पति आईपीसी की धाराओं के तहत पत्नी पर भी केस कर सकता है। इन आधारों पर पति तलाक के लिए भी आवेदन कर सकता है।